25 नंबर का वन प्लस क्या है कोस 2x, ये dx हो गया ना जी। अब इस इंटीग्रेशन को बनाने के लिए क्या करोगे, फंक्शन के मान को तोड़ दो, फॉर्मूला पर बैठा दो, इनका फॉर्मूला क्या होता है 1 2 कोस स्क्वायर क्या होगा x होगा। ये देखो कोसेम क्यों हुआ, यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो किस में होगा साइन, साइन में। देखो यहाँ पर वन प्लस क्या है कोस टू एक्स है ना जी। तो वन प्लस कोस टू एक्स बराबर क्या होता है टू कोस स्क्वायर एक्स, क्या होता है टू कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहीं पर ये प्लस नहीं रहता, क्या रहता माइनस रहता, तो टू साइन स्क्वायर क्या होता है एक्स होता है। अब यहाँ पर देखिए रूट है ना, रूट ये बाहर आ गया, ये क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, ये रूट ओवर दो। अब देखिए कोस बाहर निकल गया, अब देखिए कोस का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी साइन होता है, साइन होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, समझ गया ना। तो यहाँ पर देखो कोस एक्स ये आपका साइन हो गया साइन एक्स, प्लस क्या हो गया सी, अब देखो किस ऑप्शन में है ऐसा, तो ये जो आपको ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा बी होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 26 का सवाल देखो, ये है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू डी एक्स हो गया ना जी। सो इसको एक्स क्यू को जो है आप मान लो एक्स क्यू डी जेड बटा डी एक्स, आप देखिए डी यू वाई क्या करेंगे डी एक्स, ये क्या होगा आपको थ्री एक्स स्क्वायर, समझ गया ना। अब आपका रो क्या, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो डी यू बराबर क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया ना, डी यू बराबर क्या हो गया थ्री एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, या एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो गया डी यू वाई थ्री ने हो गया डी यू वाई क्या हो गया थ्री हो गया। अब देखिए इसका मान, इसका मान क्या रख सकते हो, क्या रख सकते डी यू वाई थ्री रखेंगे ना। अब देखिए एक्स क्यू का मान क्या माने है यू, यहाँ पर क्या होगा डी यू, यहाँ पर यू हो गया, अब यहाँ पर क्या देंगे डी यू बाई थ्री हो गया ना। अब देखिए ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर यू है यू, और यहाँ पर देख सकते हैं ये डी यू है, तो क्या होगा ई पावर यू ही होगा प्लस सी बाई थ्री प्लस सी हो गया। अब u का मान क्या है एक्स क्यू है, नंबर में सवाल है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये बना चुके हैं हाँ। ये बना चुके हैं ना। अब 28 नंबर का जो सवाल है वन प्लस एक्स स्क्वायर बोले वन बाय ये स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है yes, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स वन बाय ए, टेन इनवर्स क्या होता है एक्स बाय ए प्लस ई टू द पावर, आप देखो प्लस सी कर दो या के। उसके बाद देखो 29 नंबर का जो सवाल है ये प्रॉपर्टी ही है, समझ गया सोल्यूशन हो चुका है ये एफ एक्स है ना। देखो एफ माइनस एक्स बराबर क्या है माइनस एफ एक्स, इसका अर्थ ये हो गया कि फंक्शन जो है ओड फंक्शन है, फंक्शन क्या है और। इसी को हम क्या कहते हैं ओड फंक्शन, याद रखो। अब ओड क्यों है, अब यहीं पर तुम इवन ओड समझ रहे हो ना, जैसे मान के चलो कि माइनस वन है इस पर पावर हम तीन देते क्या आता है माइनस वन आ गया, तीन ओड है कि इवन है तीन तो ओड है, ये लेते हैं कौन आएगा क्यों वन आ गया क्योंकि वन पावर पावर जो है इवन है, समझ गया ना।
उसी प्रकार से f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया, तो इसका अर्थ हो गया कि फंक्शन क्या है, कोड है, समझ गया ना जी। ये एकदम क्या है, कोड फंक्शन की परिभाषा है। अगर माइनस एफ माइनस एक्स बराबर आपको क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए, क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए, माइनस नहीं एफ एक्स आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। देखो ये उदाहरण दिया, फिर आप लोग एकदम सर समझ गए। ये ओड फंक्शन क्यों है, क्योंकि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो गया, इसलिए ओड है जी। अगर ये माइनस नहीं आता तो क्या होता, इवन फंक्शन होता। अब देखो ए माइनस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा बोलो तो, क्योंकि एफ एक्स ओड फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, ओड फंक्शन। देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट माइनस ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसका दो को कंडीशन निकलता था, कितने कंडीशन निकलते थे, दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होता था, समझ गया, अगर फंक्शन ओड हो, फंक्शन क्या हो, ओड हो, तो देखो मान क्या हो जाता था ओड के लिए, ओड फंक्शन के लिए, ओड फंक्शन के लिए शून्य हो जाता था, क्या हो जाता था, शून्य दो से गुना हो जाता था। और इवन फंक्शन के लिए क्या हो जाता था, गुना और गुना। तो इवन फंक्शन इसमें क्या होगा, टू इंटू ए जीरो एफ एक्स, ऐसे होता था ना जी, जी। तो इवन फंक्शन के लिए ये हो जाता है, ओड फंक्शन के लिए क्या हो जाता है, चूंकि यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ये फंक्शन ओड है, इसलिए इसका मान क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। उतारिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये दो चीज को याद रखिए, एक आएगा। इस नंबर का जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, देखो 18 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे 20 में एग्जाम दोगे तो 18 का मैक्सिमम सवाल जो है 20 में टेली करेगा, तो बीटा हो गया, ये क्या हो गया अल्फा। अब देखो यहाँ पर है साई एक्स, इसको क्या बोलते हैं, साई साई एक्स, ये आपको डी एक्स हो गया, प्लस अल्फा बीटा, ये साई एक्स, ये क्या हो गया डी एक्स, ये हो गया ना, इनका मान क्या होगा, तो देखिए डायरेक्ट एकदम कर देना, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो, जीरो। कैसे जीरो होगा, अब देखो लिमिट चेंज करेगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस नहीं बदल जाएगा, हाँ बताएगा। अब देखो ये बीटा अल्फा साई एक्स, ये डी एक्स, यहाँ पर देखो हम लिमिट चेंज कर रहे हैं, चिन्ह क्या होगा, माइनस बदल जाएगा, इनका मान क्या हो गया, जीरो, यही इनका आंसर हो गया। देखो किस ऑप्शन में है, तो डी में है, ये डी होगा, देखो क्वेश्चन बैंक में आंसर इसका गलत दिया है, इसका देखो जो सर रूट 41 एगो का निकला था दूरी, उनमें जो सर था डी नंबर में से कोई नहीं, तीस का देखो इसमें क्या है, ये गलत है। नंबर का सवाल करा एक्स अक्ष और वाई, एक्स अक्ष हो गया, उसके बाद है y बराबर साइन एक्स, फंक्शन का मान क्या है, y बराबर साइन एक्स, और x का मान जीरो, फिर x का मान क्या है, पाई बाय टू, तो जीरो पाई बाय टू है, तो अपर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट पाई बाय टू, लोअर लिमिट जीरो। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बताएं, बोलो क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, इंटीग्रल ऑफ जीरो, डी ए हो गया जी, ये एफ एक्स, और क्या होता है डी एक्स होता है ना, बी का मान क्या हो गया पाई बाय टू, ए का मान क्या हो गया जीरो, एफ एक्स मतलब साइन एक्स, साइन एक्स क्या हो गया डी एक्स, साइन का क्या होता है माइनस कोस एक्स, ये पाई बाय टू जीरो हो गया। अब देखो तो माइनस कोस पाई बाय टू प्लस क्या हो गया कोस जीरो, तो देखो इसका मान क्या हो गया जीरो, और ये एक हो गया, माइनस से जीरो पूर्ण करो क्या होगा, जीरो ही होगा एक। तो देखो किस ऑप्शन में है, सी है, ऑप्शन सी इसका सही, देखो तुम कहो या नहीं कहो,
दूसरे विद्यार्थी के पास जाता है सिल्वर तो ये गया बोला होगा नहीं तो सवाल बता दो तो बता भी नहीं सकता बताने के लिए गया क्या लगता आपको मतलब उससे पूछने गया ये लड़का मार खाएगा तभी से क्यों नहीं बोल रहा था तभी से सर बोल रहे थे आप सुन कहाँ रहे थे आपने बोलने में लगे थे तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए तैतीस नंबर का सवाल देखो देखो 32 में है क्या कि अपर लिमिट एक है लोअर लिमिट क्या है जीरो एक्स डी एक्स एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे दो हो गया ना जी ये अपर लिमिट लोअर लिमिट अब एक्स के स्थान पर एक रखो और घटा के क्या करो एक्स के स्थान पर जीरो रखो रख दिए एक बटे क्या है तो ये देखो आपको है ऑप्शन डी में इसका सही ऑप्शन डी हो गया 33 नंबर का जो सवाल है ये समझ लो ये डी वाई वाई क्या हो गया डी एक्स ये होल स्क्वायर बराबर ये डी स्क्वायर वाई बटे क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3 हो गया तो यहाँ पर देखो दोनों हम बताते हैं ये ऑर्डर क्या होगा देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना दो हो गया डिग्री क्या होगा इसका डिग्री अब देखो ये पावर 3 हुआ समझ गया ना जिससे ऑर्डर निकालेगा ना उस पर पावर देखेगा जिससे ऑर्डर निकालेगा उसी का पावर देखेगा समझ गया ना तो ऑर्डर किससे निकाले इससे ना जी देखो तो ये आपको पावर जो है यही आपका क्या होगा डिग्री डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर समझ गया कभी कभी क्या होगा मान लीजिए चलो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई है बटे डी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हो जाता तब हम कैसे चूज करते डिग्री को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर समझ गया ना जी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर नहीं समझ रहा है कहने का अर्थ कि यहाँ पर भी दो होता यहाँ पर भी दो होता तो कैसे एकदम डिग्री निकालता जिस होता ना उसके पावर को डिग्री में लेते हैं देखो हाईएस्ट क्या हो गया 3 हो गया और दिक्कत है फंसेगा भी जैसे समान ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त हो जाए समान ऑर्डर यहाँ पर समान ऑर्डर डेरिवेटिव है ना जी दोनों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव न है तो इस स्थिति में डिग्री का चयन इस प्रकार से किया जाएगा यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर 2 और 3 में कौन हो गया 3 हो गया इसलिए डिग्री क्या होगा 3 तो अब देखो ऑर्डर और डिग्री में फंसेगा भी निकालने में 34 नंबर का सवाल हल्ला मत करो ये वाई डी एक्स हो गया एक्स डी वाई बराबर क्या है एक्स वाई डी एक्स हो गया आप देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ का प्रॉब्लम क्या है वाई वाई है ना तो यहाँ पर वाई लिख दो यहाँ का प्रॉब्लम क्या है एक्स लिख दिया लिख दो से भाग देने पर क्या लिखना है कल से जो है सही से क्रेश कोर्स स्टार्ट होगा समझ गया ना कितना दिन से ये ट्रेलर था कितना दिन से सिर्फ नाम था अब काम होगा इसको क्रैश कोर्स सर्वे कहते हैं ये क्वेश्चन बैंक बनाना क्रैश कोर्स सर्वे हुआ क्रैश कोर्स जो होगा अब होगा यस।
पूरी क्वेश्चन बैंक को बनाना, ये पूरी क्लास हो गया। लाना हो तो आंसर देख के आंसर के अनुसार चलना होता है। अगर हो दो आंसर मिला हो तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इनको हम x है ना, इनको हम लिख सकते हैं log e पावर x, ये आपका जो है स्मॉल k है, इनको हम लिख सकते हैं log कैपिटल k, लिख सकते हैं इसको log e पावर x ऐसे लिखेंगे, इसलिए क्योंकि x जो पावर है गुणा में आ जाएगा, log e का मान एक होता है, समझ गया ना। कोई भी संख्या में अगर लोग नहीं लगा रो लगा रहे तो क्या करना कि लोग ई लेकर के उस पर पूरक देना पावर के रूप में। आंसर कैसे दिया इसे? अब देखिए तो ये आपको जोड़ में है तो क्या होगा, गुणम होगा ना ई पावर एक्स, और क्या होगा कि होगा ना ये लोग और ये लोग खत्म हो गया। हाँ। नहीं हो गया, देखो ये भी आंसर हो गया, समझ गया ना। अब एक्स बटे वाई बराबर क्या हो गया ई पावर एक्स, एक्स बराबर क्या हो गया वाई टू पावर एक्स।